अगर आप वेदर का बात करते हैं इंडिया में, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी हम भारी से अति भारी वर्षा का उम्मीद कर रहे हैं और सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का भी उम्मीद कर रहे हैं वहां पर, वहीं दूसरी तरफ आपका ईस्ट इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया में हीट वेव का स्थिति जारी है। तो अगर जैसे मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आज 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे का विंड्स का उम्मीद है, सीवियर थंडरस्टॉर्म्स का उम्मीद है और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का भी उम्मीद है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट असम, ईस्ट एंड साउथ असम और मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी इलाके में। कल का अगर आप हीट वेव का स्थिति देखते हैं तो ये लॉन्ग पेंडिंग चल रहा है, मतलब लॉन्ग पीरियड से चल रहा है। आपका 15 तारीख से उड़ीसा में, 17 तारीख से बंगाल में हीट वेव का स्थिति चल रहा है जिसका इंटेंसिटी दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है। हीट वेव ऐसे फिनोमिनन है जिसका आपका डे टू डे जितना दिन से हीट वेव चलेगा उसके इम्पैक्ट भी उतना ज्यादा होगा। इसी कारण से हमने रेड अलर्ट बंगाल के लिए दिए हैं 3 दिन के लिए, उड़ीसा के लिए 2 दिन के लिए और बाकी पूरे ईस्ट इंडिया में हमने ऑरेंज अलर्ट अगले 5 दिन के लिए दिए हैं। अगर पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो रायलसीमा इलाका जो है वहां पर अभी आपका हीट वेव का स्थिति काफी दिन से चल रहा है और इंटेंसिटी भी है, इसलिए हम 3 दिन के लिए रेड अलर्ट दिए हैं, उससे आगे ऑरेंज अलर्ट, और पूरा पेनिनसुलर इंडिया में हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं अगले 5 दिन के लिए। बाकी पूरा देश में धीरे धीरे डे 5 से हमारे उम्मीद है कि हीट वेव का स्थिति खत्म होगा। सेंट्रल इंडिया, पहले पेनिनसुलर इंडिया, उसके बाद सेंट्रल इंडिया में एक फ्रेश स्पेल ऑफ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आएगा जिसके साथ स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स और लाइटनिंग होने का भी पॉसिबिलिटी है। तो दोनों फिनोमिनन ही हमारे लिए खतरनाक है। तो आईएमडी का मौसम ऐप देखते रहिए और उसमें जो वार्निंग दे रहे हैं उसके हिसाब से एक्शन लीजिए।